माय डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी लोगों का मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 35 भारतीय दंड संहिता की धारा 35 क्या है। इससे पहले हम सेक्शन 34 भी पढ़ चुके हैं, उसमें हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ था। तो चलिए, शुरू करने से पहले आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाए और इसके बाद वो कम से कम यूट्यूब पर चलता रहे। तो चलिए, आज हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 35। तो 35 के लिए बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर सेकंड में डिफाइन किया गया, जैसे कि साधारण स्पष्टीकरण में, और दूसरा ये जनरल एक्सप्लेनेशन को कहा जाता है। अब सेक्शन 35 में दिया क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, जो सेक्शन 35 में दिया गया है, हम यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय पर्सन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। तो ये सेक्शन 35 की जो डेफिनेशन, इसकी हम डेफिनेशन और किस लॉज के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब चलती है, इसका उद्देश्य आपको मालूम ही है और रेटस वगैरह के बारे में मैं ज्यादा कुछ आपको बताना नहीं चाहूंगा, ये वैसे भी आप लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए, तो सेक्शन 35 की तरफ हम चलते हैं। कि इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है डायरेक्ट के अनुसार, तो देखिए, सबसे पहले व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल By reason of its being done with a criminal knowledge or intention, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। इसके डेफिनेशन पर जरा ध्यान दीजिएगा। Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several person, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। हिंदी में देखिए, इसके डेफिनेशन में क्या कहा गया। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। तो ये जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर पढ़ी हुई है, अभी इसके बाद हम इसके एसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, यानी कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या, आवश्यक तत्व क्या। तो सबसे पहली बात की गई कि एन एक्ट कोई कार्य होना चाहिए। नंबर दो की हम बात करें, क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन होना चाहिए, यानी कि आपराधिक ज्ञान और आशय इसमें आवश्यक है। तीसरा, डन बाय सेवरल पर्सन, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि धारा 34, 35 और 38 सभी ये संयुक्त दायित्व से संबंधित हैं, इसलिए इनको एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 34 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं आज से पहले वाले वीडियो में, तो अब हम केवल यहाँ सेक्शन 35 की ही बात करते हैं कि सेक्शन 35 में क्या दिया हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। फिर इसमें एक केस था, इस केस के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आदम अली तालुकदार बनाम राज AIR 1927 कलकत्ता 324। इस केस में क्या कहा गया, देखिए, इस मामले द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि का और खा नामक व्यक्ति ने गा नामक व्यक्ति को पीटा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। का आशय गा की मृत्यु कारित करने का था तथा वह जानता था कि उसका कृत्य गा की मृत्यु कारित कर देगा, परंतु खा का आशय गा को केवल गंभीर चोट पहुंचाने का था तथा खा को यह ज्ञात नहीं था कि उसका कृत गा की मृत्यु कारित कर देगा या उसे इतनी गंभीर चोट पहुंचाएगा कि गा की मृत्यु संभव है। तो इस मामले में का को हत्या का दोषी ठहराया गया तथा खा को केवल घोर उपति के लिए ही दोषी ठहराया गया। तो ये केस फिर से आप याद रख लीजिए एक बार, आदम अली तालुकदार बनाम राज AIR 1927 कलकत्ता 324। अगला केस हम बात करेंगे, घूरे बनाम सम्राट AIR 1947 अलाहाबाद 344 का ये केस है। इस केस में क्या कहा गया, देखिए ध्यान दीजिए। इस मामले में अभियुक्तों में से एक के पास तेज धार वाला हथियार था तथा दूसरे के पास केवल लाठी ही थी। इन दोनों अभियुक्तों की
मृतक से पहले की दुश्मनी थी। यद्यपि लाठी धारी अभियुक्त का आशय मृतक को सिर्फ चोट पहुंचाना ही था, परंतु अभियोजन ने यह साबित किया कि इस अभियुक्त को यह ज्ञान था कि जिस प्रकार से उन दोनों ने मृतक को पीटा है उससे मृतक की मृत्यु संभावित थी। अतः दोनों ही अभियुक्तों को इस मामले में दोष सिद्ध किया गया और यह सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग इनको दोष सिद्ध भी किया गया। चलिए, तो ये केवल इसमें दो केस थे इम्पोर्टेंट, बाकी आप सेक्शन 34 आप पढ़ चुके हैं डिटेल में। और मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।